बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक वजारत दाखिला की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है जी, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और इसमें जो हाईलाइट्स की गई हैं चीज़ें वो आपको दिखाऊंगा भी और इनके मुताबिक बात कर लेंगे। हाल ये जो सख्ती वगैरह के मामला चल रखे हैं इसके मुताबिक मैं आपको मुख्तलिफ वीडियो में बताता रहा हूँ, खासकर जब बड़ी माल पूरे सऊदीया में भाई लगा हुआ था, तमाम प्रदेशों को जो कफाला वगैरह के मतलब टाइम दिया गया था, जिन मिसाई खासा नामन मंजिली वगैरह वाले आते थे तो घरों से भी वाम निकल रखी थी, वो मुकम्मल मैंने आपको लाइव व्यू दिखाए थे जद्दा के, खास करके मुख्तलिफ इलाकों के। तो आज की जो रिपोर्ट्स आई है आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी जो सख्ती के मामला वगैरह चल रखे हैं उनके मतलब आप खुद सोच सकते हैं यार। सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं जो हाईलाइट्स करता हूँ वो ये है जी, आप तरहील के ऊपर नज़र डालें, जो आपको मैं बता रहा हूँ आप देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है तरहील एक वीक की रिपोर्ट, यानी कि 6 दिन 7 दिन के अंदर अंदर 11,647, कितने भाई 11,647 अफराद को डीपोर्ट किया गया है, तरहील जेल के थ्रू भेजा गया है। कोई जिन जो पकड़े गए हैं इसके अलावा जो सफारा या हरूब वाले शमेसी से फिंगरप्रिंट लगाकर अपनी खुद से टिकट लेकर जा रखे हैं वो अलग हैं, ये जो पकड़े गए अफराद एक हफ्ते में डीपोर्ट किए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के उनकी बात है जी, 11,500 प्लस पे वो है जी। अगर तमाम की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मैं वो पूरी दिखा रहा हूँ ट्वीट, इनमें भाई 13,615 अफराद टोटल हैं, ये तरहील वाले इसमें नहीं है, ये उसके इलादा है, इसमें कौन से आते हैं वो आपको बताता हूँ मैं, निज़ाम अल इकामा ठीक है जी, जिनके यानी कि मुखालफा निज़ाम अल इकामा जिनके इकामे वगैरह एक्सपायर थे 8,752 अफराद भाई वो गिरफ्तार हुए हैं, और उसके आगे लिखा हुआ है मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद इनकी तादाद आई 3,197, यानी कि 3200 बोल रहे हैं, ये किसी दौर में 6,000-7,000-10,000 होते थे, अभी बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है, खासकर यमन वाले बॉर्डर्स के ऊपर मैंने आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोज वहाँ से भी शेयर किए हैं, टॉप ऑफ द फीफ एंड जजान वगैरह के जो एरिया है। तो उसके आगे मुखालफ निज़ाम अल अमल ये 1700 बोल रहे हैं या 1666 अफराद हैं, ये वो बंदे हैं जिनके कफील कहीं और के हैं, काम कहीं और है, मेहनत कुछ और है, काम कुछ और है, कंपनी से भागकर बाहर लगे हुए हैं, कोई पेपर नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये बंदे जब पकड़े जाते हैं वो इसमें आते हैं, इनके ऊपर फाइन भी होता है और बाद में इनको जेल में रखा जाता है, अगर ये फाइन पे ना करें तो फिर इनको 6-6 माह भी जेल में रख दिया जाता है, उसके बाद डीपोर्ट किया जाता है। तो ये वीकली रिपोर्ट थी जो मैंने आपको दिखाई है, इससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं भाई कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त सख्ती के क्या हालात चल रहे हैं।